खिलाड़ी बल्ले के बगैर ही खेलेंगे। इलेक्शन से पहले पीटीआई को बड़ा झटका, इंतखाबी निशान छिन गया। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन आइन से मुतसादिम है। ईसीपी ने नतायज का अदम करार दे दिए। पांच रुकनी बेंच का तहरीरी फैसला जारी, तंजीमी ढांचा तहलील। बैरिस्टर गौहर भी चेयरमैन नहीं रहे। पीटीआई उम्मीदवारों को अब आजाद हैसियत से अलग अलग निशान अलॉट होंगे। इंट्रा पार्टी इलेक्शन आइन के मुताबिक करवाया इलेक्शन कमीशन का फैसला साजिश है। पहले दिन से ही हमारा इंतखाबी निशान छीनने की कोशिश हो रही थी। बैरिस्टर गौहर का शदीद तहफुजात का इजहार, हाईकोर्ट जाने का ऐलान। समा से गुफ्तगू में कहा, निशान वापस ना मिला तो आजाद हैसियत से मुकाबला करेंगे। पीटीआई पर कब्जा ग्रुप मुसलत है। अल्लाह ने हमें सुरखरू कर दिया। इलेक्शन कमीशन के फैसले के दूरस नतायज मुरतब होंगे। अकबर एस बाबर का रद्द अमल, पार्टी के बानी अरकान का इजलास जल्द बुलाने का ऐलान। बल्ला फी अमानल्लाह हो गया। इलेक्शन कमीशन के फैसले पर फिरदौस आशिक अवान का रद्द अमल। ओन चौधरी बोले, इंट्रा पार्टी इलेक्शन शफाफ नहीं थे, सिर्फ सिलेक्शन हुई। बलूचिस्तान अवामी पार्टी की जानिब से ईसीपी फैसले का खैर मकदम। सियासी जमातों के अंदर जमहूरियत जरूरी है, खालिद मक्सी का रद्द अमल। आपके वोटर हैं तो बल्ले के बगैर भी वोट देंगे, फैसल करीम कुंडी का रिएक्शन। मुस्तफा कमाल ने भी फैसला दुरुस्त करार दे दिया। साइफर केस में साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर। सुप्रीम कोर्ट का 10-10 लाख रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म। यह मानने की कोई माकूल बुनियाद नहीं कि मुलजिमों ने काबिले सजा जुर्म का इर्तिकाब किया। मामला मजीद इंक्वायरी का मुतकाजी है। तहरीरी फैसला जारी, साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद को जेल में रखने से कोई मकसद हासिल नहीं होगा। एक वजीर आजम को फांसी तक दे दी गई। आइन तोड़ने वाले आमिर ने एक दिन भी कैद नहीं काटी। जस्टिस अतर मिनुल्ला का इजाफी नोट। नून लीग, MQM, JUI और BAP का मुतालिबा तस्लीम। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में 24 दिसंबर तक तोसी। उम्मीदवारों को इब्तदाई फहरिस्त भी इसी रोज जारी होगी। जांच पड़ताल 25 से 30 दिसंबर तक की जाएगी। अपीलें दायर करने के लिए 3 जनवरी तक का वक्त। हतमी फहरिस्त 12 जनवरी को लगेगी। इंतखाबी निशानात 13 जनवरी को अलॉट किए जाएंगे। नजर सानी शुदा शेड्यूल जारी। नवाज शरीफ ने मानसेरा से कागजात जमा करा दिए। शहबाज शरीफ कसूर से इलेक्शन लड़ेंगे। मरियम नवाज का शेखपुरा से मैदान में उतरने का फैसला। आसिफ जरदारी नवाब शाह, यूसुफ रजा गिलानी मुल्तान, राजा परवेज अशरफ गुजर खान, जहांगीर तरीन लोधरा से उम्मीदवार, अब्दुल अलीम खान लाहौर और खानेवाल से इलेक्शन लड़ेंगे। कौमी और सूबाई असेंबली की 5 सीटों पर कागजात जमा करा दिए। बैरिस्टर गौहर बुनेर, बानी PTI मियाँ वाली, लाहौर इस्लामाबाद और मौलाना फजलुर रहमान पशीर से इलेक्शन लड़ेंगे। इंतखाबी इत्तेहाद, मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में डेडलॉक बरकरार। IPP अपनी फहरिस्त पर सीट एडजस्टमेंट के मुतालिबे पर कायम। नून लीग ने नजरसानी का पैगाम दे दिया। लाहौर में सीट एडजस्टमेंट की यकीन दहानी। हतमी फैसला नवाज शरीफ और IPP क्यादत की मुलाकात में मुतवक्के। साबिक सदर आसिफ जरदारी से फैसल वाडा की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आम इंतखाबात के हवाले से भी बातचीत। ख्वाजा सरा नायाब अली ने इंतखाबी अखाड़े में उतरने की तैयारी कर ली। इस्लामाबाद के हल्का NH 46 और 47 से इलेक्शन लड़ने के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। नायाब अली का खवातीन, मजदूरों और अकलियतों की आवाज बनने का आज़्म। साइफर केस में साबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर। सुप्रीम कोर्ट का 10-10 लाख रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म। यह मानने की कोई माकूल बुनियाद नहीं कि मुलजिमों ने काबिले सजा जुर्म का इर्तिकाब किया। मामला मजीद इंक्वायरी का मुतकाजी है। तहरीरी फैसला जारी। सेहवन में हजरत लाल शहबाज कलंदर के मजार से 1 करोड़ रुपए से जायद मालियत का सोना चोरी। निगरान वजीर औकाफ ने दरगाह के मैनेजर को मुअत्तल कर दिया। मुकदमा दर्ज कराने का हुक्म।
आपकी जेब में मौजूद 5,000 का करेंसी नोट असली है या नकली। 13 मखसूस सिक्योरिटी फीचर से शनाख्त मुमकिन। बसारत से महरूम अफराधी आसानी से पहचान कर सकते हैं। लाहौर का कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद फ्लाईओवर मुकम्मल। निगरान वजीर आला पंजाब ने इफ्तिताह कर दिया। मोहसिन नकवी का 31 जनवरी तक वाल्टन रोड की तामीर मुकम्मल करने का भी ऐलान। साइफर केस में साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर। सुप्रीम कोर्ट का 10-10 लाख रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म। ये मानने की कोई माकूल बुनियाद नहीं कि मुलजिमों ने काबिल सजा जुर्म का इरतकाब किया। मामला मजीद इंक्वायरी का मुतकाजी है। तहरीरी फैसला जारी। सेहवन में हजरत लाल शहबाज कलंदर के मजार से 1 करोड़ रुपए से जायद मालियत का सोना चोरी। निगरान वजीर औकाफ ने दरगाह के मैनेजर को मुअत्तल कर दिया। मुकदमा दर्ज कराने का हुक्म। आपकी जेब में मौजूद 5,000 का करेंसी नोट असली है या नकली। 13 मखसूस सिक्योरिटी फीचर से शनाख्त मुमकिन। बसारत से महरूम अफराधी आसानी से पहचान कर सकते हैं। लाहौर का कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद फ्लाईओवर मुकम्मल। निगरान वजीर आला पंजाब ने इफ्तिताह कर दिया। मोहसिन नकवी का 31 जनवरी तक वाल्टन रोड की तामीर मुकम्मल करने का भी ऐलान। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख पर 24 दिसंबर तक तौसी। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त भी उसी रोज जारी होगी। जांच पड़ताल 25 से 30 दिसंबर तक की जाएगी। अपीलें दायर करने के लिए 3 जनवरी तक का वक्त। हतमी फहरिस्त 12 जनवरी को लगेगी। इंतखाबी निशानात 13 जनवरी को अलॉट किए जाएंगे। नजरसानी शुदा शेड्यूल जारी। बीस के इलेक्शन में साबिक अमरीकी सदर की मुबैना मदाखलत का मुकदमा अल्तवा का शिकार। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप को मुबैना तौर पर हासिल इस तस्तर से मुतालिक मुकदमे की तेज तर समाज से इनकार कर दिया। सलामती काउंसिल में इमदाद में इजाफे की करारदाद मंजूर। रूस का सीज फायर के शिख शामिल करने का मुतालबा अमरीकी मंदूब ने वीटो कर दिया। हमास का कहना है करारदाद गजा में होने वाले नुकसान का अजाला नहीं कर सकती। अक्वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने गजा में जारी इसराइली फौजी ऑपरेशन को इमदादी कार्रवाइयों में रुकावट करार दे दिया। अवाम एक्सप्रेस तबाही से बच गई। कराची कैंट रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से मिलने वाला बॉम्ब बरामद नाकारा बना दिया गया। बीडी रिपोर्ट के मुताबिक 4 से 5 किलोग्राम वजनी बॉम्ब में 2.5 किलो के करीब बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। टाइम डिवाइस पर दिन 12 बजे का टाइम सेट था। कश्मीर से डाकू ने 3 भाइयों को अगवा कर लिया। कच्चे की तरफ फरार हो गए। 1 हफ्ते के दौरान डाकू ने 11 अफराद को अगवा कर लिया। अगवा बराए तावान की बढ़ती वारदातों के बाद शहरी अदम तहफ्फुज़ का शिकार। लाहौर में बूंदाबांदी से फजाई आलूदगी में कमी ना आ सकी। मजमू एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से तजावज कर गया। पंजाब में धुंध के डेरे। मोटरवे M5 शेरशाह से जाहिर पीर तक बंद। और स्पिनर नुमान अली भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर। अपेंडिस की तशखीस के बाद नुमान अली का ऑपरेशन किया गया।